हाय फ्रेंड्स, दो ऐसे वाक्य हैं जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कितने स्वार्थी और मतलबी होते जा रहे हैं। दूसरे के दुख दर्द से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक कहानी की शक्ल में आप तक पहुंचा रही हूँ। बंगले की पीछे की खिड़की खोलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखते हुए मिसेस शर्मा चिल्लाई, सावित्री, ओ सावित्री, सावित्री जी। अपने 4 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर सावित्री दरवाजे की तरफ भागी। उसकी ननद दुर्गा, जो उसके जापे के लिए वहां आई हुई थी, चिल्लाई, ए भाभी सुन। इससे पहले ही दौड़ती हुई सावित्री मैडम जी की खिड़की के नीचे जाके खड़ी हो गई। कहाँ रहते हो भाई तुम लोग, सुनते क्यों नहीं है? एक बार में कितना बुलाना पड़ता है मैडम। वो बच्चे को, क्या बच्चे को भाई, हर 1 साल में बच्चा पैदा हो जाता है, फिर बच्चे को कमरा क्या दे दिया, पसर गए हो तुम लोग। क्या छोड़ो, राम प्रसाद कहाँ है? वो तो मैडम बाबा को छोड़ने गए हैं ना। अभी तक नहीं आया मैडम, वो आपने पेट्रोल भरवाने और दूध लाने को भी कहा था। हाँ भाई, मैंने ही बहुत सारे काम बता दिए थे। नहीं मैडम वो, खैर छोड़ो, देख दरवाजे पे सब्जी वाला आया है, ले तो आ कुछ। जी वो क्या, वो पैसे दे देंगे? पैसे भागे जा रहे हैं क्या? 10-15 रुपये होते हैं और वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। अरे सुबह सुबह कहाँ तुम लोग पैसे मांगने लगते हो, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, ले आ 2-4 सब्जी, बोलना मैडम पैसे दे देंगी। जी सावित्री गई और फिर से एक बार उसने सब्जी वाले की चिरौरी करते हुए कहा, दे दो भैया, दे देंगी ना मैडम पैसे? हाँ दे देंगी तेरी मैडम पैसे, 60 रुपये है पहले के, जब देखो तब सुबह सुबह सब्जी लेने के लिए तुझे भेज देती हैं, पूरी बोनी खराब करा देती हैं, उधारी सब्जी चाहिए। अरे उनको पैसे देने में खराब लगता है तो मेरे को भी तो अपनी बोनी खराब करने में अच्छा नहीं लगता? हाँ भैया पर दे दे, एक तो तू बीमार भी लगती है, ले लेके जा। क्या बताऊँ, सावित्री उसका बड़बड़ाना सुनती रही, फिर अपना पल्लू देखा तो उसमें 10 का नोट बंधा हुआ था। धीरे से निकाल कर उसके हाथ पे रखते हुए बोली, अभी के लिए रख लो, तुम्हारी बोनी ना खराब हो। और फिर सब्जी लेकर अंदर बंगले में गई। मैडम जी ने कहा, रख दो मैडम। वो क्या मैडम, सब्जी वाला बोल रहा था 60 रुपये पिछले और 22 रुपये आज के। हाँ तो दे देंगे ना, तू नहीं दे सकती थी? मैं, हाँ उस दिन बच्चे को लेके गई थी डॉक्टर के यहाँ, 50 रुपये दिए थे तुझे। जी तो भूल गए क्या, ले लेके भूलते रहते हो? नहीं मैडम, ठीक है मैं ही दे दूंगी। हाँ ठीक है जाओ। जैसे ही सावित्री कमरे में पहुंची, गुस्से से भन्नाई उसकी नाना चिल्लाने लगी, तू पागल है क्या भाभी, 4 दिन का है तेरा बच्चा, इधर से उधर दौड़ती फिर रही है, शरीर देख अपना कितनी कमजोर हो गई है। हाँ ठीक है पर मैडम जी। अरे क्या मैडम जी, मैं हूं ना, मुझे बोलती मैं जाती। अरे वो बहुत गुस्सा करती हैं। और करती हैं क्या है तेरी मैडम जी, गुस्सा ही करती हैं। ऐसा मत कह, काम भी तो वही आती हैं। क्या काम आती हैं, मैंने तो देखा है, रात रात तक भैया काम पे लगा रहता है और एक तू है, तू भी एक टांग पे खड़ी रहती है। ए दुर्गा ये बता, तू भी तो करती है किसी के यहाँ काम, माँ यही रौब झाड़ती है क्या? सावित्री ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं, पता है भाभी मैं नहीं करती अब ये झाड़ू पोछे बर्तन का काम। अच्छा तो तू क्या करती है अब? मैं जाती हूँ एक घर में, अब मैं हो गई हूँ बेबी सीटर। क्या हो गई है क्या? हाँ बेबी सीटर हो गई हूँ मैं। ये कौन होते हैं? कुछ पढ़ने लिखने का काम है? अरे नहीं रे, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बच्चे का ध्यान रखने जाती हूँ एक बंगले में। अच्छा तो और कौन कौन रहता है? लो और कौन रहेगा, मैडम जी हैं और सर हैं, दोनों लोग सुबह सुबह चले जाते हैं, मैं नौकरानी उनकी, वो नौकर ऑफिस में। नौकर हैं? अरे नौकर ही समझो, हमसे पहले सुबह उठ के भागने की तैयारी में लगे रहते हैं दोनों के दोनों। पता है मेरे लिए नाश्ता वाश्ता भी बना के रख जाती हैं। तेरे लिए नाश्ता? और क्या, बेबी सीटर हूँ, अगर मैं ही वहाँ पे नाश्ते और काम में लगी रहूँगी तो उनके बच्चे को कौन देखेगा? अच्छा तुझे खाने के लिए भी रख के जाते हैं? और क्या, टीवी लगा हुआ है और दिन भर बैठ के टीवी देखो, बर्तन वाली आती है उस पर नज़र रखो, और प्रेस वाला आता है उसको कपड़े उपड़े दे दो। प्रेस वाला भी अलग से, बर्तन वाली भी अलग से, और तू? अरे मेरी ड्यूटी बच्चे को रखने की है ना, तो तू जाती कब है? मैडम जी के जाने से थोड़ी देर पहले जाती हूँ और मैडम जी के आने के बाद उनको चाय वाय पिला के आधे घंटे बाद निकल आती हूँ।
अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है। बड़ा मन लगता होगा उस बच्चे के साथ। कितना बड़ा है? 8 महीने का। अरे वाह, वो तो तुझे पहचानता होगा, खेलता भी होगा। खेलेगा क्यों? क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सोता रहता है। 8 महीने का बच्चा सोता रहता है? ऐसा कैसा बच्चा है? बीमार रहता है क्या? नहीं, अब उसी को खिलाती रहूंगी तो टीवी भी देखने का टाइम कहाँ मिलेगा। अरे तू उसके बच्चे को रखने जाती है कि टीवी देखने? देख भाभी, मुझसे बच्चे बच्चे ज़्यादा संभाले तो जाते नहीं हैं। वो तो मैडम जी को कोई मिल नहीं रहा था और उन्हें लगा कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, साफ सुथरी रहती हूँ और दिखती तो मैं हूँ ही सुंदर, तो उन्होंने मुझे रख लिया। तो फिर बच्चे को कैसे संभालती है जब तुझे बच्चे नहीं अच्छे लगते? संभालना क्या है? थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? अरे भाभी तू भी बेवकूफ़ है, ये तेरी मैडम तुझे सही डांटती है। नहीं बता ना, क्या थोड़ा सा? थोड़ा सा अफीम चटा देती हूँ। अफीम चटा देती है? हाँ, अरे थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा थोड़ी, सोता रहता है 2-3 घंटे। अफीम चटा देती है किसी के बच्चे को? कितने भरोसे से वो तेरे पास छोड़ के जाती है? तो कोई कुछ और थोड़ी दे दिया, सिर्फ सोता है तो है। और सोने से बच्चे खुश रहते हैं, ज़्यादा किलकिल करेंगे तो बीमारी पड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा खासा मोटा ताजा है, मैडम तो आके हमेशा कहती है तू तो बड़ा अच्छा ध्यान रखती है इसका। अच्छा तू चुप कर भाभी, चल जा, इस नन्हे को दूध तो पिला दे, कब से रो रहा है। ला इसकी फिर मालिश कर दूँ। पर दुर्गा, अरे कुछ नहीं भाभी, तू ज़्यादा ना सोच, तू बेवकूफ़ी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। दौड़ दौड़ के जा, अपनी मैडम के पैसे भी भर गया, सब्जी भी तू ही खरीद के देती है। नहीं मैं क्यों खरीद के देती, उन्होंने 50 रुपये, तो कभी 50 रुपये नहीं दे सकती किसी गरीब के बच्चे की बीमारी में। चलो खैर, हम तो ज़्यादा बड़े हैं इन लोगों से, हम ही हैं बड़े दिल वाले, आखिर वो 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं। तूने तो आज उसकी बोनी के बारे में भी सोचा, मैं देख रही थी, तूने सब्जी वाले को 10 रुपये दिए हैं ना। बेचारा सुबह सुबह आता है और बोनी ही खराब हो जाती है। चल छोड़, चल दुर्गा उन दोनों को भी बुला ले। सावित्री अपने दोनों बच्चों को जो बड़े थे देखते हुए बोली, उनको बुला, चल उनको भी आज तेल लगा दे। उसे पता नहीं क्यों अचानक अपने बच्चों पर बहुत प्यार आया। बेवकूफ़ है तो क्या हुआ, अपने बच्चों की तो माँ है ना वो। ये सोचते हुए सावित्री मन ही मन खुश हो रही थी और उसने अपने नौनिहाल को कलेजे से लगा लिया। कहानी यही ख़त्म होती है। शायद कुछ सीख मिले, शायद कुछ समझ आए। आप लोग बहुत समझदार हैं, कहानी लाइक भी करते हैं, इस हौसला अफजाई के लिए दिल से बहुत शुक्रिया। पर एक रिक्वेस्ट, आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से ज़्यादा शेयर दबाएं। आई मीन टू से आज लाइक नहीं, शेयर दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।